मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ अनु। आज मैं कुछ आपको ऐसा मल्टीपर्पज होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगी जो आप कटने पे, छीलने पे, जलने पे, फोड़े फुंसी पे, पिंपल्स पे, कुछ भी हुआ यूज कर सकते हो। ऊपर से अगर सर्दी खांसी होता है उसमें भी यूज होता है। जिन लोग विंटर सीजन में सर्दी हो जाता है, बरसात सर्दी खांसी हो जाते हैं तो उनको भी आप दे सकते हो तो सर्दी खांसी ठीक होगा। जिन लोगों की हार्ट बर्न होता है, मतलब चेस्ट में जलन सा फील होता है, उनमें भी यूज होता है। तो आप समझ सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है होम्योपैथी में तो वो है कैलेंडुला मदर टिंचर। कैलेंडुला मदर टिंचर SBL का मिलता है, होम्योपैथी शॉप में आपको मिलेगा। और ये कई तरह से आप यूज कर सकते हो, जहाँ पे कट जाते हैं, छिल जाते हैं। ड्रेसिंग पर्पस में कैलेंडुला मदर टिंचर यूज होता है। और कहीं भी अगर आपको घाव वगैरह हो गया उसमें अगर आप देते हो तो अगर जो घाव आपका 7-10 दिन लगता ठीक होने में, वो आपको 2 या 3 दिन में ही ठीक हो जाएगा। किसी किसी को पूरा बॉडी में अगर फोड़े फुंसी होते हैं और उसमें उससे येलो कलर का मावा निकलते हैं तो उसमें ये बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत जल्दी हील कर देता है। और वो जो फोड़े फुंसी है बहुत जल्दी उसको सूखने लगते हैं वो, और बिल्कुल धीरे धीरे यूज करते करते ये पूरी तरह से आपकी स्किन से चला जाता है। स्किन में कहीं पर भी इरप्शन अगर होता है उसमें भी यूज होते हैं। बॉडी में अगर इरप्शन होता है, एलर्जिक टेंडेंसी है, रेडनेस है, पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। दोस्तों ये इंटरनली भी आप ले सकते हो और एक्सटर्नली, दोनों तरह से ये बहुत अच्छे से काम करता है। कहीं पे चोट लग गया तो उसमें जल्दी हील हो जाते हैं। बस आपको यूज़ कैसे करना है, कैलेंडुला मदर टिंचर लेना है रुई में। जैसे आप डेटॉल यूज़ करते हो पहले स्किन को अच्छे से धो लो, उसके जो जगह में घाव है या पस है या गिर गए हो वो जगह पहले जो धूल मिट्टी है उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है, वॉश कर लेना है। उसके बाद जैसे हम लोग डेटॉल यूज़ करते हैं वैसे कैलेंडुला मदर टिंचर थोड़ा सा रुई में लेके उसको लगा देना है। 2 या 3 दिन में ही वो सूखने लगेगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एसिडिटी है, गैस है, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। बस कैलेंडुला मदर टिंचर 30 CH पोटेंसी में आप दिन में 3 बार 2 ड्रॉप करके लेना है, मतलब दिन में 6 ड्रॉप टोटल अगर आप लेते हो तो वो धीरे धीरे आपका ठीक होने लगा। गैस का प्रॉब्लम, एसिडिटी का प्रॉब्लम भी ठीक होता है। खांसी के केसेस में कैलेंडुला मदर टिंचर यूज होते हैं। जो 20 ड्रॉप करके 1/2 कप पानी के साथ मिला के दिन में 3 बार लेना है। कैलेंडुला मदर टिंचर को घर पे रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो जरूर घर पे रखिए। और खांसी में भी यूज कर सकते हो, गैस एसिडिटी में यूज कर सकते हो, मतलब पी सकते हो। कहीं पे कट जाए, छिल जाए, जल जाए, कुछ भी हुआ उस पर लगा सकते हो रुई के साथ। छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ उसमें भी यूज़ कर सकते हो। हार्ट बर्न में भी यूज़ होते हैं, तो यही इसका यूजेस है। और फिस्टुला में भी काम आते हैं, जिन लोगों का फिस्टुला का प्रॉब्लम है उसमें भी ये यूज़ होता है। बस 10 ड्रॉप करके दिन में 3 बार 1/2 कप पानी के साथ आपको पीना है। कुछ दिन तक पियेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह का और वीडियो चाहते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों मेरी वीडियो शेयर कीजिए। मैं अनुशु फिर मिलती हूँ मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।